जी हाँ, सही पढ़ा आप सबने। दीपक चौरसिया की नौकरी खतरे में है। हम सभी संत श्री आशाराम जी बापू के साधक शिष्य हैं। इसी दीपक ने हमारे गुरुदेव के बारे में अंधेरा फैलाया था। तो हम सबका कुछ तो कर्तव्य बनता है ना अपने बापू जी के लिए। आप लड़ नहीं सकते, विरोध नहीं कर सकते, लेकिन सुप्रचार करके अपने गुरुदेव के साथ हुए अन्याय को देश दुनिया में फैला तो सकते ही हैं। एक बार तो इसकी नौकरी खतरे में आई थी जब इसने शराब पीकर रिपोर्टिंग की थी। तो क्या गुरुग्राम केस के विषय में देश में जागरूकता लाके फिर से इसकी नौकरी खतरे में नहीं लाई जा सकती? आप सभी इस वीडियो और हमारे चैनल पर बनाए गए दूसरे वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि यह एक राष्ट्रीय मुद्दा बन सके और दीपक तले का अंधेरा पूरे देश दुनिया को दिखाया जा सके। इस विषय पर सभी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसी के साथ हम आप सभी से जन जागरण मंच के प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो भी साझा कर रहे हैं। दीपक चौरसिया जब इन्वेस्टिगेशन के लिए आता है पाला बिहार पुलिस स्टेशन में, तो वो इस इन्वेस्टिगेशन में भी जो है पूर्ण रूप से सहयोग नहीं करता है और इन्वेस्टिगेशन की जो एक रिपोर्ट होती है उसमें साइन करने से दीपक चौरसिया मना कर देता है। तो आप देखिए, जो देश का, जो जनता का, जो इतना जाना माना चेहरा है, जो इतना बड़ा पत्रकार है, किस तरह से वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, जो एक बहुत ही अकाउंटेबल चीज है, जो एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल चीज है, उसको कार्य करने से मना कर देता है, क्योंकि साइन करने से उसकी प्रेजेंस वहां पर साबित हो जाएगी, इसलिए वो उस प्रेजेंस को नहीं दिखाने के लिए वहां साइन नहीं करता। और अगर मैं बोलूं कि ये केस जो है वो उसकी अकर्मण्यता को, उसके जो खिलाफ जो आरोप है वो तय करने के लिए साबित नहीं है, तो क्या हमने उसका जो जिसे कहते हैं जंगली रूप या दानवी रूप हमने न्यूज नेशन की उस लाइव रिपोर्ट में नहीं देखा, जो CDS विपिन रावत के लिए उसने जो रिपोर्टिंग करी वो शराब पीते हुए करी? क्या हम सब लोगों ने उसकी वो रिपोर्टिंग नहीं देखी, जिसके कारण आज भी उस चैनल के मालिकों ने उसे बर्खास्त कर दिया है, सस्पेंड कर दिया गया है। जो CDS विपिन रावत, जहाँ पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम चल रहा था, इतना इम्पोर्टेंट कार्यक्रम में दीपक चौरसिया साहब शराब के चार घूंट पीकर श्रद्धांजलि जैसे समूहों को वो सम्मिलित होते हैं, जो हमारे इतने बड़े चीफ जर्नल जो CDS थे हमारे, उनके खिलाफ इस तरह से शराब पीकर रिपोर्टिंग, तो वो एक बच्ची का सम्मान क्या करेगा जिसने, जो हमारे विपिन रावत जी का सम्मान नहीं किया? ऐसे कितने और सबूत दिखाए जाएं जो उनके इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट को जरूर जो है साबित करेंगे और उनको हटा दिया चुका है। आज वो किसी चैनल में नहीं दिखते हैं। और देखा जाए तो जब वो प्रेजेंट होते हैं 6 जून 2022 को, जब वो कोर्ट में प्रेजेंट होते हैं, तो उनकी बीवी धमकी देती है हमारी जर्नलिस्ट को कि हमारा टेलीकास्ट बंद करो, तो मेरे फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रही हो। उनके बारे में दिखाना, उनके बारे में प्रेजेंट होना, जो कोर्ट में प्रेजेंट हो रहे हैं, चार्जशीट में जिनका नाम है, उनको दिखाना अगर फंडामेंटल राइट्स का हनन है, तो उस बच्ची के साथ जो दिखाया गया, उसकी पर्सनल वीडियो को गलत कर तोड़ मरोड़ कर उसको रिएक्ट होता हुआ जो बताया गया, ये उसके फंडामेंटल राइट्स का हनन नहीं था दीपक चौरसिया के द्वारा? ये प्रश्न है मेरा आपकी मीडिया से कि उसकी बीवी ये बोलती है कि आप हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहे हो, हमारी प्राइवेसी हैक कर रहे हो, तो किसी की पर्सनलाइज वीडियो को, जो अपने गुरु को सम्मानजनक प्रोग्राम चल रहा था, मेरा बर्थडे चल रहा था, XYZ जो भी चल रहा था, उसको आपने प्राइम टाइम पे डिफरेंट और भी बहुत सारे एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ज्वाइन करें और स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबर को अपने अपने ग्रुप्स में जरूर ऐड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।